Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to my channel VS Education System. Today I am here to discuss important English vocabulary with the sentence ke sath apan discussions karenge from the Hindu editorials. My dear students, aaj bahut hi acha session sunne wala, to please complete video dekhiyega. Regular basis pe every day mornings mein aapke sessions upload hota hai, to please regular basis pe bane rahiyega, regular basis pe follow karte rahiyega. Agar aap exams ki preparations kar rahe hain IBPS clerk ke, jinka bhi 7th aur 8th December ko exams hai, unke liye bahut important sessions hai. And then aapke jo aapke LCS sessions means hai, unke liye to bahut इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोकैबुलरी पार्ट आपकी अच्छी होगी तभी आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे. ओके, तो प्लीज कंप्लीट वीडियो सेशन देखिएगा, 100% आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज सीखने को मिलेगी. आइए स्टार्ट करते हैं सेशंस को. एंड बिफोर दैट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग आईबीपीएस पीयू क्लर्क, आपकी आपसीआई एलआईसी असिस्टेंट मींस एसएससी सीजीएल सीपीयू, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, स्टार्ट करते हैं सेशंस को. एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लें, देन लाइक कर दें वीडियो को, देन शेयर जरूर कर दें, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट तक पहुंच पाए ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए. राइट, देखिए एंड स्टार्ट करने से पहले ग्रेट इन्फॉर्मेशन फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स. इंग्लिश वोकैबुलरी का कल मैंने एक सेशन अपलोड किया था, लगभग 60 से 70 वर्ड्स आपकी करीबन है, तो प्लीज आप एक बार उस सेशन को देख लीजिएगा. एक तरह से लास्ट जो वीक था उसके बेसिस पर था हिंदू एडिटोरियल्स का पूरा सेशन था, उनके सारे डिस्कशन अपन ने किया था रिविजन के बेसिस पे. अगर आप आईबीपीएस क्लर्क और एलआईसी असिस्टेंट मेंस के स्टूडेंट्स हैं, तो 100% एक बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस बेसिस पे वर्ड्स पूछे जा सकते हैं. ओके, अच्छे मुझ मैंने डिस्कशन की, एक बार जाइए देख लीजिएगा. ओके, स्टार्ट करते हैं. एंड देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेशन कोड हियर इट इज टुडे 2nd of December 2019. अब सभी का दिन मंगल में हो, इसी कामना के साथ मोटिवेशन कोड क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छी मोटिवेशन कोड है. योर माइंड इज अ पावरफुल, यानी आपका मन शक्तिशाली चीज है. When you feel it with positive thought, यानी कि आप जब आप इसे सकारात्मक विचारों से, जो thought है वो आपके positive thought रहेंगे, your life will start to turn change, यानी कि जो भी आपकी life को परिवर्तन करना start कर देगी. It means हमेशा positive thought रहेंगे, एकदम शुद्ध विचार, right? इस type से रही तो 100% आपकी जो लाइफ से, आपकी जो टारगेट से जरूर अचीव होगा. नेगेटिविटी मत लाइए, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमेशा नेगेटिविटी से एक कैसे कह सकते भरे रहते हैं. हमेशा ध्यान रखिए पॉजिटिव थिंकिंग रहे कि हाँ मेरा अच्छा होगा, आज नहीं तो कल, हमेशा अच्छा ही पॉजिटिव थिंकिंग के बेसिस पे काम करिए. 100% आपकी भी पॉजिटिव थिंकिंग के बेसिस पे आपका भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है. ओके, मूविंग ऑन चलते हैं नेक्स्ट पे. देखिए टुडेज टू आर्टिकल्स हियर इट इज, माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज लिसन टू केयरफुली. ओके, अपन ओनली फॉर वोकैबुलरी डिस्कशंस करेंगे, इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी कि आर्टिकल्स को किस टाइप से पढ़ना है. आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि आर्टिकल्स को आप किस बेसिस पे पढ़ सकते हैं. देखिए ग्लिमर्स ऑफ होप एंड टाइम टू एक्ट, मैं बता देता हूँ किस रिलेटेड आर्टिकल्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार बता दूं, दोनों आर्टिकल्स में से जो वोकैबुलरी वर्ड्स अच्छे वर्ड्स थे वो मैंने निकाल लिए हैं. आप देख सकेंगे 100% विद सेंटेंस के साथ अपन डिस्कशन करेंगे. और आर्टिकल्स क्या है, रिलेटेड क्या यूज पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ. देखिए ग्लिमर्स ऑफ होप ये आर्टिकल्स रिलेटेड है 1984 में दंगे हुए थे, राइट, जो सिख कम्युनिटीज है उसके बेसिस पर दंगे हुए थे. जो आपको मालूम था राजीव गांधी का असैसिनेशन एंड उसके बेसिस पे जो सिख दंगे थे, सिख दंगों को भड़काया गया था, वो उनके बेसिस पे ये आर्टिकल्स दिए गए कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी गठित की जाए न्यू फ्रेशर्स के बेसिस पे. उनको एक तरह से चांस के बेसिस पर बहुत लंबे टाइम से इसका एक तरह से चल रहा है 1984 आज अपन 2019 में एक तरह से एंड 2019 कंप्लीट होने जा रहा है, तो उसके बेसिस पे इतना टाइम हो गया अभी तक कंडक्टेड. अभी तक कोई भी जो अपराधी है, एक अपराधी जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं सज्जन कुमार, उनको बनाया गया है. एक पार्टी को कुछ और भी कुछ उनके बेसिस पे एक तरह से गठित की अच्छे तरीके से गठित उसका फिर वापस रीच है एक तरह से चांस हो उनके बेसिस पे. ये एक आर्टिकल्स पे कहा गया है. अभी नेक्स्ट आर्टिकल्स का टाइम टू एक्ट, दिस आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू आपके इकोनॉमिक क्लास के बेसिस पे, राइट. अभी आपको मालूम है जीडीपी ग्रोथ विकास दर थी वो 4.5% से हो गई है, तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल्स, क्योंकि अभी जो नेगेटिव इफेक्ट है अगर तो इन फ्यूचर्स आने वाले टाइम में एक तरह से पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है. क्यों, अब आप भी क्वेश्चंस आ रहा होगा सर बाय मैं बता दूं. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्पोरेट टैक्स यानी 22% से सरकार का 25% अप्रोच बनता है,
वो कम कर दिया गया है। इसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट जो होगा इंडिया में, अदर कंपनीज का जो फॉरेनर कंपनीज वो अपने यहाँ इन्वेस्ट कर सकती है क्योंकि टैक्स कम है। गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा रेवेन्यू कॉर्पोरेट टैक्स से ही होता है, तो उसी के बेसिस पे इनको कम करना बहुत ही अच्छा स्टेप्स था। एमएसएमई सेक्टर्स में बढ़ावा देना, आपका रियल सेक्टर्स रियल स्टेट सेक्टर्स में 25,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड करना। आपको याद रखना चाहिए क्वेश्चन कौन से पैदा किएगा, कौन सी बैंक LIC और LIC और आपके SPV आपके इसको प्रोवाइड करेगी 25,000, इसके बूस्ट मिलेगा इधर से, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट इस टाइप से हो सकता है। ओके दैट इज द रिलेटेड पॉइंट विद फैक्ट के साथ लेटर से क्या आप पढ़िएगा। ओके अपन वोकैबुलरी पे चलते हैं। प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल वोकैबुलरी डिस्क्रिप्शन करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कर लीजिए फ्रेंड के साथ ग्रुप्स में एंड आपकी सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके First word say on your screens, look at this words, my dear friends. First word say gleamer, yani clear something, shine something, right? बहुत ही अच्छा word say gleamer, clear shine, किसी चीज का चमकना जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं gleamer, right? Next है आपका this month, एक फिर से sentence देखिए, this month sales figure offer a glimmer of hope for the depressed economy, right? That is the examples. I hope you guys clear हुआ होगा। Next देखिए Cutters, it means devastate and mangle something. Devastates and mangles, you एकदम destroy कर देना, तबाही कर देना, उसको बोलते हैं scuttles, right? वर्ब भी तुम तो याद कर लीजिएगा। Sentence देखिए, I hear the scuttles of rats across red across the room, यानी कि पूरे पूरे रूम में को तबाह कर दिया था एक चूहे ने, right? थर्ड देखिए प्रॉब, इट मीन्स इन्वेस्टिगेशन समथिंग एंड क्वेश्चन समथिंग, इट मीन्स आप किसी चीज पे जांच करना, स्क्रूटनाइज आप यूज कर सकते हैं हिंदी में, स्क्रूटनाइज आप जांच आप हिंदी में लिख सकते हैं प्रॉब। ओके नेक्स्ट देखिए द पुलिस प्रॉब इन टू ऑर्गेनाइज क्राइम्स लेड टू द लेड टू सेवरल अरेस्टेड अरेस्टेड, राइट? दीज आर द थ्री वर्ड्स, टेक अ स्क्रीनशॉट विद द सेंटेंस के साथ। आई होप सो गाइस आपको मजा आ रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है प्रोसिक्यूशन, बहुत ही अच्छा वर्ड है प्रोसिक्यूशन, नाउन की तरह होता है एंड की इनक्रिमिनेशन, राइट? आपके जो अभियोग होता है राइट किसी के प्रति उसको बोलता है प्रोसिक्यूशन, नाउन की तरह होता है, याद कर लीजिए। द नंबर ऑफ सोशल सिक्योरिटी, नंबर ऑफ सोशल सिक्योरिटी प्रोसिक्यूशन, देखिए प्रोसिक्यूशन हैज डिक्लाइंड हैविंग हैड हैवल बाई 1984। देखिए द नंबर ऑफ, ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ होना चाहिए, द नंबर ऑफ के बेसिस पे हमेशा ध्यान रखिएगा सिंगुलर्स पर यूज होती है, अ नंबर ऑफ होगा तो 100% यहाँ पर प्लूरल्स पर हैव मैंने को यूज करना पड़ेगा, ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, राइट? कार्नेज यानी कि मैसेकर समथिंग, स्लॉटर समथिंग, राइट? एक तरह से नरसंहार जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं कार्नेज, राइट? नेक्स्ट देखिए सेंटेंस फॉर दिस डे, यानी कि फॉर दिस डे ऑफ कार्नेज एंड डियर्स देयर कैन बी नो जस्टिफिकेशंस और एक्यूज, राइट? aftermath बहुत ही अच्छा वर्ड है aftermath, इट मींस आपके जो कॉन्सिक्यूशंस होते हैं नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं उसको बोला जाता है aftermath, राइट? किसी के पास भी बाढ़ आना उसके बाद भी जो नुकसान हुआ उसको क्या रिजल्ट्स मिला कितना नुकसान हुआ वहां पर भी यूज कर सकते हैं इसको aftermath में। ओके पॉजिटिव वे में इसको यूज नहीं किया जाता, याद कर लीजिएगा। फूड प्राइसेस आर शॉर्ट इन द aftermath ऑफ द ड्राउट, सूखे पड़ने के बाद फूड की जो प्राइसेस है एक तरह से पूरी तरह से बढ़ गई है, राइट? दीज आर द सिक्स वर्ड्स, टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप सो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल्स को भी। नेक्स्ट देखिए instigate, it means blow up something, stimulate something. Okay, instigate and blow up and stimulate. आप ये use कर सकते हैं जो blow up ये phrases पर नहीं use होते blow up, right? Blow up यानी कि stimulate एक तरह से जो भड़काना बोलते हैं आप हिंदी में यूज कर सकते हैं उसको बोला जाता है instigate, right? वर्ड तो जो याद कर लीजिएगा। Possibly is received. Possibly is received the media to instigate only then such the screen, right? नेक्स्ट आपके देखिए रिसरेक्ट, रिसरेक्ट इट मींस रिवाइव समथिंग, राइट? किसी की चीज को पुनर्जीवित कर देना उसको बोलते हैं रिसरेक्ट, रिसरेक्ट। ओके वर्ड तो जो तैयार कर लिए अटेम्प्ट टू रिसरेक्ट द की सीज फायर हैव ऑलरेडी फेल्ड वंस, राइट? एक्विट इट मींस एक्विट एंड की अब्जोल समथिंग, लिबरलाइज समथिंग यानी कि किसी चीज को आजाद कर एक तरह से कह सकते हैं एक्विट कर देना, अब्जॉल कर देना, लिबराइज कर देना, बहुत ही अच्छा वर्ड है एक्विट, वर्ड तो याद कर लीजिएगा।
सेंटेंस देखिए, he has never felt to acquit a client charged with murder. ओके, दीज आर द नाइन वर्ड्स, टेक अ स्क्रीनशॉट. कभी भी आपको टाइम लगे तुरंत आप रीड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, कंट्रक्शंस. कंट्रक्शंस इट मींस प्रेशर, समथिंग किसी के ऊपर प्रेशर से दबाव बनाना, उसको बोलते हैं कंट्रक्शंस. नाउन की तरह से याद कर लीजिएगा, आई यू वन जेक्टिव व्हिच हो ऑल ओवर फॉर नाउन. द जनरल कंट्रक्शंस ऑफ द इंटरस्टेट डिड फर्दर डैमेज टू मोरल, यानी कि जो इनका मोरल है उसका हौसला उसको डाउन कर दिया. ओके, स्पर बहुत ही अच्छा वर्ड है. स्पर है कि इम्पिटस, बहुत ही अच्छा वर्ड है. प्लीज नोट डाउन, इम्पिटस बहुत बार यूज होता है आपके फिलर्स में, क्लोस्टर्स में, आपकी जो पैसेज में, उसके ऊपर बहुत ज्यादा. यानी किसी के प्रति प्रेरणा, किसी से प्रेरणा मिलना, उसकी चीज से सीखना, उसको बोलते हैं इम्पिटस. एंड इम्बॉल्ड स्पर, यानी एक तरह से स्टिमुलेट करना, एनकरेज, प्रोत्साहित, आप यूज कर सकते हैं. A few encouraging words, यानी कुछ words ऐसे हैं encouraging, a few यानी कुछ words, okay? Encouraging words यानी जो उत्साहित करते हैं, might provide us the spurs of synergy, उसको जो जरूरत है, उसको words की जरूरत है, उनको provide है, इसलिए हाँ तो उत्साहित करने में, okay? नेक्स्ट देखिए, एम्बिग्यूटी बहुत ही अच्छा वर्ड है. एम्बिग्यूटी एंड इट मींस ओपेसिटी, आपने बहुत बार सुना होगा. इट मींस होता है अस्पष्टता, यानी कि जो अनसर्टेनिटी हो, जो क्लियर ना हो, एकदम उसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी. हिंदी में लिखना चाहे तो आप अस्पष्टता लिख सकते हैं. सेंटेंस देखिए, वी कैन डिटेक्ट नो एम्बिग्यूटी इन द सेक्शंस ऑफ द एक्ट, राइट. दीज आर द 12 वर्ड्स. आई होप सो गाइस आपको अच्छा लगा होगा सेशन. अगर मजा आया वर्ड्स देखिए, कुछ वर्ड्स आपको सीखने को मिले, कि हम वर्ड्स बहुत हेल्प होती, तो प्लीज सेशन को लाइक करें, शेयर करें, एंड आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल्स को, ताकि आपको इस टाइप की कोई भी वीडियो, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए. ओके, डू सब्सक्राइब द चैनल्स. नेक्स्ट देखिए, अगर डिविजन्स कर लेते हैं सारे वर्ड्स का, एक साथ 12 वर्ड्स कर रहे हैं, पूरा कलेक्शन मैंने आप दे दिया, ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें, एंड इसका भी आपको टाइम ले, 2 मिनट्स 3 मिनट्स आप रिवाइज भी कर सकते हैं. ओनली मोड आपको 24 आवर्स है, 24 आवर्स में आपको करीबन करीबन सारा वर्ड्स आपको रिमेम्बर करने की आवश्यकता है, राइट. ग्लिमर, इट मींस क्लियर समथिंग, शाइन समथिंग, जैसे कि मैंने बताया चमकना, राइट. ग्लिमर कर स्कटल्स, यानी कि डिवासिट मिंगल्स, जैसे कि मैंने बताया जो नुकसानदायक है वो एक मिनट भारी दबाई हो, उसको बोलते हैं, उसको बोल सकते हैं. ओके, प्रॉप यानी कि इन्वेस्टिगेशन समथिंग, क्वेस्ट समथिंग. माय डियर फ्रेंड्स, इट मींस स्क्रूटनाइज, यानी कि एक तरह से जांच करना, कोई धोखाधड़ी का केसेस हो, कोई केसेस हो, उसके बेसिस पे प्रॉप करना, उसको बोलते हैं प्रॉप, यानी कि जांच पड़ताल हिंदी में हम यूज कर सकते हैं. प्रोसिक्यूशन यानी कि इनक्रिमिनेशन, राइट. अच्छा वर्ड से प्रोसिक्यूशन, यानी कि अभियोग जारी करना. कार्नेज, इट मींस मैसेकर समथिंग, स्लॉटर समथिंग, यानी कि नरसंहार जिसको बोलते हैं कार्नेज. क्योंकि आफ्टर मैथ यानी कि कॉन्सिक्यूशन, राइट. मैंने बताया जैसे कि भारी दबाई के बाद जो परिणाम रिजल्ट आते हैं, कितने कितने लोगों की जान गई, कितने वाक्य नुकसान हुआ, उसको बोलते हैं आफ्टर मैथ. नेगेटिव भी इसका यूज होता है, याद कर लीजिएगा. इंस्टिगेट यानी कि प्रोवोक समथिंग, स्टिमुलेट समथिंग. अच्छा वर्ड से इंस्टिगेट. ठीक, रिजरेक्ट यानी कि रिवाइव समथिंग, पुनर्जीवित कर देना, उसको बोलते हैं रिजरेक्ट. ओके, एक्विट यानी कि अब्सोल समथिंग, लिबरलाइज समथिंग. बहुत ही अच्छा वर्ड से नाइन वर्ड्स. एक्विट वर्ड तुरंत याद कर लीजिएगा. कॉन्ट्रक्शन यानी कि प्रेशर समथिंग, स्ट्रेस समथिंग. प्रेशर स्ट्रेस आपके ऊपर दबाव हो एकदम, उसको बोला जाता है कॉन्ट्रक्शन. ओके, स्पर यानी कि इम्पिटस समथिंग, एम्बोल्डन समथिंग, जो आपके ऊपर एक तरह से किसी चीज प्रेरणा लेना, राइट, एक तरह से उत्साहित होना, उसको बोलते हैं स्पर. ओके, एम्बिग्यूटी बहुत ही अच्छा वर्ड है. एम्बिग्यूटी इट मींस ऑपेसिटी समथिंग, अनसर्टेनिटी समथिंग, जो अस्पष्टता हो उसको बोला जाता है एम्बिग्यूटी. ऑपेसिटी आपने बहुत बार देखा होगा, ऑपेसिटी कहाँ होता है, आपकी फ्रिज, आपकी जो पैसेजेस आते हैं उसमें बहुत बार होता है ऑपेसिटी. आप अगर रेगुलर बेसिस पर आर्टिकल्स रीड आउट करते हैं तो 100% ये वर्ड्स आपको दिखता होगा. एम्बिग्यूटी, ऑपेसिटी, अनसर्टेनिटी, आज इसका वर्ड्स का रिमेंबर कर लीजिए, कि अस्पष्टता इट मींस अस्पष्टता, अनक्लियर हो को बोला जाता है. कि आई होप सो गाइस क्लियर हुआ. एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली आस्क मी. प्लीज जो सेशंस पर कल अपलोड किया था 60 प्लस वर्ड्स का, तो प्लीज एक बार जाइए देख लीजिएगा, 100% बहुत हेल्पफुल है. ओके, तो एंड करते हैं सेशंस को. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड शेयरिंग. आई होप आपने एंजॉय किया हुआ सेशंस को, मजा आया हुआ, कुछ वर्ड सीखने को मिले होंगे, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. जय हिंद.
अच्छा भारत अब सभी का दिल बगल में हो।